दोस्तों नमस्कार भाई, आप लोगों की डिमांड पर आज का ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पार्वो की पुख्ता पहचान घर बैठे कैसे करें, यानी कि हमारे डॉग को अगर कभी भी ईश्वर ना करे कभी कोई समस्या हो भी जाए तो हम तुरंत कैसे पहचाने। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको चार ऐसी चीज़ें बताई थी जिनकी मदद से आप अपने डॉग को पार्वो अगर हो जाए तो बचा सकते हैं। पार्वो अगर नहीं हुआ है, बचाना चाहते हैं तो भाई वैक्सीनेशन करवा लीजिए, काम एकदम से पूरा पुख्ता हो जाएगा। लेकिन अगर हो भी गया है, आपने गलती कर दी, वैक्सीनेशन नहीं करवाया और अगर पार्वो हो गया है, तो वो चार उपाय मैंने आपको बताए थे जिनकी मदद से बच्चों को बचाया जा सकता है, डॉग्स को बचाया जा सकता है। लेकिन आज का ये वीडियो कंप्लीट आप लोगों की डिमांड पर है कि भाई पहचानेंगे कैसे, घर पर कैसे पहचाने कि पार्वो हुआ है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा ले ताकि उसे बचा सके। तो देखिए, पहचान के बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने जा रहा हूं। नंबर वन जो तरीका है वो सिम्टम का है, यानी सिम्टोमेटिक तरीका है। और सिम्टोमेटिक तरीके में पहले आपको बता देता हूं, नंबर वन है बहुत ज्यादा सुस्त। अगर आपको लगे कि यार मेरे डॉग को अचानक से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा सुस्त है, और वो भी किस मौसम में, जब सर्दी का मौसम जा रहा है, गर्मी का आने वाला है, यानी सर्दी के मौसम के जाते समय में आपको लगे कि मेरा डॉग अचानक से सुस्त है, बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है, खेल रहा कूद रहा था, कल एकदम ठीक था और आज बिल्कुल ही डल हो गया है, एकदम से सुस्त हो गया है, तो भाई मन में शंका जरूर होगी। लेकिन बाकी के लक्षण जरूर देखिएगा। सेकेंड लक्षण क्या है? सेकेंड लक्षण यह है, खाना पीना बिल्कुल बंद। भाई सुस्त तो था जो था, लेकिन खाना पीना भी इसने बिल्कुल भी बंद कर दिया, मतलब कंप्लीटली बंद, ऑफ फीड जिसे कहेंगे, कंप्लीटली बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं खाया साहब, एकदम से सुस्त है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया? कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा तेज बुखार। जी हाँ, तीसरी जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी तेज बुखार। अगर आप उसे छुओगे तो भी गर्म लगेगा, उसके कान छुओगे तो भी गर्म लगेगा, पूरी बॉडी एकदम से गर्म है। और जब आप पशु चिकित्सक से जांच करवाओगे, या कई जो पेट ओनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग प्राप्त करके, जो कि हर महीने की 11 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होती है, उसको प्राप्त करके, और कईयों ने ये काम अपने घर पे ही टेम्परेचर वगैरह लेना करना, इलाज जो है वो सब सीख लिया है, तो वही चीज़ अगर आपने टेम्परेचर ले लिया है तो तुरंत पता चल जाएगा, ओहो तेज़ बुखार, यानी बुखार जो है वो आपको तेज़ मिलेगा। ठीक है, तो तेज़ बुखार मिलना ये भी इसकी प्रमुख निशानी है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कुछ भी निगलते ही उल्टी। ये देखो, अगर पहली बात कुछ खाएगा ही नहीं, फिर भी अगर आपने कुछ भी दिया मान लीजिए खाने के लिए और उसने थोड़ा सा खा भी लिया, तो खाते ही उल्टी, ये जो लक्षण है ये आपको मस्ट दिखेगा, यानी मस्ट साइन है, ये मस्ट दिखेगा कि जो ही खाएगा खाते ही उल्टी। शुरुआत यहीं से होती है, खाया थोड़ा सा उल्टी, खाया उल्टी, पेट में जो भी है इतना इरिटेशन होगा कि अंदर जो भी चीजें हैं वो निकालने का प्रयास करेगा कि बस बाहर निकाल दे उल्टी के माध्यम से। तो खाते ही उल्टी, यानी कुछ भी निगलता है निगलते ही उल्टी, और कई बार तो उल्टी पे उल्टी बिना कुछ निगले ही होती रहती है, लगातार उल्टी होती रहती है। यह नेक्स्ट जो साइन आता है वो है, चलो उल्टी तो हो रही थी साहब, लेकिन उल्टी में भी और दस्त में भी, इसमें उल्टी भी होती है तो दस्त भी होती है, उल्टी में भी और दस्त में भी आपको खून नजर आएगा, ये इसका मोस्ट साइन है। मोस्ट इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि भाई ये मोस्ट है, यानी इंपॉर्टेंट साइन इसमें यही नजर आता है कि खून आता है, उल्टी कर रहा है, पहले उल्टी करता है और उल्टी में खून आना शुरू होता है, उसके बाद उल्टी के साथ साथ दस्त भी होते हैं और दस्त में भी खून आने लग जाता है। तो उल्टी और दस्त दोनों में खून आना ये भी इसी की तरफ इंगित कर रहा है, ये बिल्कुल बता रहा है कि इसको पार्वो हो गया है। इसके बाद भी और भी सिम्टोमेटिक देखिए आप क्या क्या चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है दस्त, उल्टी और शरीर से बदबू, आपको क्लियर कट एक विशेष स्मेल उसमें से आने लग जाएगी,
उल्टी में आएगी, दस्त में भी आएगी, तब आपको लगेगा कि यार ये तो पूरे डॉग में ही बदबू आ रही, मतलब इतनी बदबू कि उसके रूम में जो ही आप घुसोगे नाक बंद करना पड़ेगा, इतनी तेज बदबू आएगी। तो ये जो तेज बदबू वाली उल्टी दस्त है जिसमें खून मिक्स है, तो ये बहुत बड़ा साइन है पारवो का। तुरंत समझ जाइए कि अरे यार इसको पारवो हो गया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है, जब ज्यादा तकलीफ हो जाती है ना, शुरुआत में जब तकलीफ कम होती है उस समय टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि ये पारवो वायरस जब अंदर घुसता है उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ा हुआ ही रहता है, मैंने कहा तेज बुखार, लेकिन जब स्थिति गंभीर होती जाती है, धीरे धीरे ज़्यादा डाउन होता जाता है, आपने इलाज करवाया नहीं, तो लास्ट में जाते जाते क्या होगा, लास्ट में जाते जाते बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो ये भी बात हमें क्लियर कट समझनी पड़ेगी कि लास्ट में जाते जाते टेम्परेचर लो हो जाता है, शुरुआत में बढ़ता है उसके बाद लो हो जाता है। ये बहुत बड़े साइन है जो दिखते हैं। कई भाई जो है वो जागरूक होते हैं, वो तुरंत पहचान लेते हैं, अरे यार ये साइन आते हैं। और एक बात और बताऊं, ये सब के सब आते हैं, ये सब के सब जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे के सारे साइन आते हैं। साइन देखते ही अगर इलाज हो जाता है तो भाई बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से किसी किसी में कोई साइन एक मान लो नहीं भी आया, जैसे मैंने कहा कि बाद में लो टेम्परेचर हो जाता है, कईयों में नहीं होता, लगातार बढ़ा ही रहता है। कईयों में क्या होता है कि दस्त जो होती है उल्टी में तो खून आ रहा है, दस्त में नहीं आता। कई लोग में दस्त में खून आता है उल्टी में नहीं आता, तो वो भी पारवो ही है। इसको अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और समझ लिया वो भाई आराम से इलाज भी करवा लेंगे। इसके बाद अगली बात, ये जो लक्षण थे ये सारे पेट से संबंधित लक्षण होते हैं जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स बोलते हैं, और इन्हीं लक्षणों की वजह से पारवो को गैस्ट्रो भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं लक्षणों की वजह से पारवो को गैस्ट्रो भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गैस्ट्रो साइन नहीं होते हैं, एक विशेष साइन और होता है, और वो क्या होता है, वो होता है कि आपने इलाज करवाया और इलाज कराते कराते आपको लगा कि मेरा डॉग तो बिल्कुल ठीक है और वाकई ठीक रहता है, लेकिन ठीक रहते रहते अचानक क्या होता है, अचानक ठीक होने के बाद, यानी कि काफी हद तक आपको ये भी लगता है कि यार ये तो खाना थोड़ा बहुत खाने लग गया था, डाइजेस्ट करने लग गया था, इसमें क्या खाना खाता है और खाते ही उल्टी हो जाती है। लेकिन इलाज के दौरान एक मोड़ ऐसा आया जब आपने थोड़ा बहुत उसको कुछ खिलाया, पानी पिलाया, तो वो पानी को उसने अंदर रखा, काफी समय तक अंदर रखा, इसका मतलब कुछ ठीक हुआ है। जो भी आपने खाना खिलाया वो काफी समय तक अंदर रखा, उल्टी नहीं की, इसका मतलब कुछ ठीक हुआ है और खाने को डाइजेस्ट करने लग गया है, थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने भी लग गया है। और उसी दौरान आप देखते हैं कि अचानक से उसकी मौत हो जाती है, अचानक से आपको लगा ये तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बावजूद अचानक से मौत हो जाती है। ये इसकी मायोकार्डियल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट फेल हो जाता है, यानी अचानक से हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। इसी वजह से जब भी पारवो हो और पारवो से कम्प्लीटली ठीक होने लग जाता है, उस दौरान उसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए। कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री अगर रखेंगे तो ऐसी कंडीशंस की संभावना कम रहती है, बाकी तो भाई ये कंडीशन भी हो सकती है। ये मैं नहीं कहता कि सभी केसेस में होगी, लेकिन ये स्थिति भी हो सकती है।